सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और अभी पीछे सेटअप लगा के चल रहा है यहाँ पर वीडियो बनाने की तैयारी। एक्चुअली बहुत लोगों को डाउट्स ये थे कि डैक वर्सेस डीपीडी है, अभी सीडैक के जो है पेपर हो चुका है एंट्रेंस एग्जाम। सो कई लोग मुझे जो है मैसेज कर रहे थे, तो उस रिगार्डिंग वीडियो बना रहा था। तो अभी आज के ब्लॉग में मैं एक्चुअली जा रहा हूँ। गाड़ी जो बुक की थी मैंने, उसको दो चार बार मैं देख के भी आया हूँ बीच में, बट नहीं आई थी। पर आज बोल रहे कि रेड कलर में अवेलेबल है गाड़ी, और मुझे रेड कलर चाहिए नहीं। तो एक बार शोरूम को विजिट करता हूँ, देखते हैं कि आज गाड़ी मिलती है जो मुझे चाहिए, जो कलर मुझे चाहिए वो मिलता है या नहीं। तो चले अभी निकलते हैं। ये सेटअप जो है अभी फिलहाल इसको सब रख देता हूँ बाजू में, मेरा वीडियो जो है वो हो चुका है, और अभी चलते हैं शोरूम की ओर। सो गाड़ी का पेमेंट बचा है, बाकी सब हो चुका है, एंड शादी लगेगी और हरियाणा के लिए, तब तक रुकना ही पड़ेगा। शिट, चलते हैं रूम की ओर, बाद में करते हैं ब्लॉग। जुलाई को गाड़ी बुक की थी और अभी भी गाड़ी नहीं मिली है। आज है 12th ऑफ अगस्त, 13th ऑफ अगस्त। फाइनली कितना एक महीने के इंतज़ार के बाद टीवीएस अपने पास होगी। पूरी फॉर्मेलिटीज़ जो है कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पर अभी पूरा डॉक्यूमेंट हो चुका है, और 10-15 मिनट्स में गाड़ी अपने पास होगी। पूरा चेसिस नंबर और कौन सा नंबर होता है? हाँ, वो सब चीज़ ये करते थे। वैसे ठीक है ना, रेड कलर इतना बुरा नहीं लग रहा है। एक्चुअली ते कसं म्हटलं, मी म्हणजे ब्लू कलरचं फायनल केलं ना, त्यामुळे मला असं वाटतं रेड बरं होईल, पण ते पूर्ण रेड नाही ना, त्याच्यामुळे चांगलं वाटतं ते। जर पूर्ण असलं असतं ना तर मग त्याची शान गेली असती। सर्व्हिसिंग वगैरेचं काय कसं यायचं आता? 500 किलोमीटर, 3 सर्व्हिसिंग फ्री आहे, 750 बुक दिलं जातं तुम्हाला, आणि सर्व्हिसिंग फ्री असते, 800 पैसे। एक महीने बाद लोगों को, दो दो महीने वेटिंग करना पड़ रहा है मेरे को, एक महीने बाद मिल रही है। और ऑफिस से थक हार के आए, तो इसलिए एक्साइटमेंट लेवल उतना ज़्यादा हाई नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने पहले मेरे को बहुत मूड ख़राब कर दिया, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा चल रहा था कि गाड़ी लेनी है पर मिल नहीं रही थी। अभी फ़िलहाल मिलेगी, फिर भी उसको 4-5 दिन कंपाउंड में रखना पड़ेगा ना, तब नंबर नहीं आएगा तब तक। तो इसलिए लेके भी अभी जाके सिर्फ ऐसा है कि इसको देखते रहूँगा मैं, पर इसका यूज़ नहीं कर पाऊँगा अच्छे से। गाड़ी खड़ी है वहाँ पर, और आज की डेट है 24, 22 को गाड़ी लाई थी, 23 को कुछ नहीं, गाड़ी को हाथ भी लगाया नहीं, और
जो एग्रीमेंट था वो सब चीज़ें वो हो चुकी है। नाउ ओनली थिंग इज रिमेनिंग, 4-5 दिन रुकना है, नंबर प्लेट आएगा और फिर कहीं जाकर मैं गाड़ी निकाल पाऊँगा। अरे भाई साहब ये किसने निकाल दिया, किसी चुप कराया था। ठीक है जी, गिलो हो गया शायद, इधर इसको ऐसे रखिए। चलो तो अभी भैया बोल रहे कि लेके जा सकते हैं गाड़ी, तो ट्राई करता हूँ आज लेके जाने का, मेरे को भी मन था बहुत गाड़ी लेके जाने का, तो फिलहाल चलते हैं अभी गाड़ी पर 24 को उद्घाटन करेंगे आज। तो गाड़ी निकालने के बाद भी बाहर फिर से वापस रख दिए अंदर, शिट यार अच्छा ही लग रहा है पर ठीक है, क्योंकि वापस ऊपर जाओ हेलमेट लाओ, और फिर भी मेरे मन में डाउट था कि पकड़ेंगे पुलिस या नहीं, नंबर प्लेट नहीं है फिर भी। तो वैसे तो भैया बोल रहे थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेके जा सकते हो गाड़ी, पर मैंने सोचा कि यार चलो बाद में लेके जाते हैं, क्योंकि मैं रूल को मीन्स अगर फॉलो नहीं करूँ ना तो मेरे को डर लगता है कि यार तो फुकट में पैसा भी जाएगा और वो अच्छा भी लगता नहीं फीलिंग। तो चलिए अभी वैसे भी टाइम हो चुका है, ज़्यादा 9 को 10 मिनट ही बाकी है, और अभी मुझे एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक कैब पकड़ के जाना पड़ेगा। अब चल रहे पैदल, आज वेनसडे है, मंडे को बाइक लाई थी मैंने, और अभी एग्रीमेंट जो है मेरा बन के तैयार हो चुका था पुणे का, तो वो शोरूम वालों को भेज दिया है, तो उस पर अभी वो लोग जो है नंबर प्लेट वगैरह सब चीज़ का प्रोसेस करेंगे, तो उसके बाद में नंबर प्लेट आएगी 3-4 दिनों के बाद। अनटिल देन पैदल ही सही है। अरे बाप रे बारिश भी शुरू हो गई थी, सही किया गाड़ी नहीं निकाली मैंने। तगड़ूशेठ मंदिर में दर्शन करने के लिए, पर आप बाहर से हाथ जोड़ लिए, बहुत ट्रैफिक है भयानक। गांव में गाड़ी लेने का मतलब ही नहीं, कोई बिल्कुल मतलब नहीं बनता गांव में। सो दैट्स इट, यही था पूरा एक ब्लॉग। एक्चुअली मैंने कुछ चीज़ें बात की थी और, बट वो सब चीज़ें हाइपरलैप्स मोड में मैंने शूट किया, तो जस्ट वो फास्ट फॉरवर्ड हो गया सब चीज़ें, तो उसमें बात मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, सो इसलिए मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो एक्चुअली हम 2 दिन बाद मैंने गाड़ी निकाली थी, नंबर प्लेट भी लग चुकी थी गाड़ी को सैटरडे को यानी 27th August को, बट हम सिटी में गए थे, इतना ट्रैफिक था भाई साहब, मैं मीन्स लिटरली बोल रहा हूँ कि गणपति फेस्टिवल भी आने वाला है पुणे में, तो ये भी एक रीज़न होता है, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो हम एक्चुअली गए थे दगड़ूशेठ मंदिर में मीन्स जाने वाले थे, बट वहाँ से बाहर से ही हम दर्शन करके निकल लिए, क्योंकि पॉसिबल नहीं था गाड़ी लगाना और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। सो मिलते हैं इसी तरह से कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।